नमस्ते, गॉस्पल ट्रुथ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण सारे पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 7 खंड हैं और ये खंडात्मक और संहितात्मक दो स्वरूपों में उपलब्ध है। इसका पहला खंड माहेश्वर खंड है, जिसमें 138 अध्याय, 11,957 श्लोक। दूसरा वैष्णव खंड है, जिसमें 232 अध्याय, 13,846 श्लोक। तीसरा ब्रह्म खंड, जिसमें 146 अध्याय, 11,501 श्लोक। काशी खंड 100 अध्याय, 11,714 श्लोक। अवंती खंड 403 अध्याय, 16,005 श्लोक। नागर खंड 279 अध्याय, 14,932 श्लोक। प्रभाग खंड 492 अध्याय, 14,415 श्लोक। कुल जो अध्याय हुए वो 1,790 और श्लोक हुए 94,410। कहा यह जाता है कि इसमें केवल 81,000 श्लोक थे स्कंद पुराण में, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ब्रेकअप दिया जिसमें करीब 94,000 श्लोक हैं, ये चौखंबा संस्कृत सीरीज जो वाराणसी से प्रकाशित हुई है संपूर्ण स्कंद पुराण, उसमें 94,000 श्लोक आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ श्लोक और इसमें जुड़ गए। माहेश्वर खंड जो इसका पहला खंड है वो विशाल, उसमें बहुत सी कथाएं हैं, उससे परिपूर्ण है। दक्ष के यज्ञ की कथा है, गौरी की तपस्या का वर्णन है, महिषासुर की कथा है। दूसरा जो खंड है वो है वैष्णव खंड। वैष्णव खंड में भूमि और वारा भगवान के बीच का जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा है। जैमिनी और नारद का आख्यान, अश्वमेध यज्ञ की कथा और कार्तिक मास की क्या विशेषता है, वो इतना विशेष क्यों माना जाता है, और कार्तिक मास के प्रत्येक दिन में किस किस दिन की क्या क्या विशेषता है, ये भी इसमें विस्तार से बताया गया है। फिर ब्रह्मखंड है। ब्रह्मखंड में सेतु महात्म से प्रारंभ करके वहां के स्नान, ध्यान, रामेश्वरम, धनुषकोटी की महिमा, जो लोग रामेश्वरम गए हों उनको ये सब स्थान मालूम है, धनुषकोटी और रामेश्वरम और ये सब। फिर इसमें चतुर्मास की महिमा, जो 4 मास होते हैं जिसमें ज्यादा पूजा करने की जरूरत है, भगवान शिव का तांडव नृत्य और दक्ष यज्ञ की समाप्ति और शिवरात्रि की महिमा बताई गई है। इस पुराण में एक विशेषता और है, इसके माहेश्वर खंड के कौमारिक खंड के अध्याय 23 में इसाफ साहब कहा गया है कि एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर आपको यश देती है। मतलब आपके लिए एक कन्या अगर हो जाए तो वो 10 पुत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर काशी खंड आता है, जिसमें विंध्य पर्वत, नारद जी का संवाद, गंगा जी का प्रकाट्य, गंगा सहस्त्र नाम, भैरव का आविर्भाव, दंड पाणी, ज्ञान व्यापी का उद्भव और काशी नगरी की कथा और उसकी महिमा बताई गई है। फिर अवंती खंड। अवंती खंड में ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, अंधकासुर द्वारा स्तुति कीर्तन और काल खंड में शिवलिंग की संख्या, वहां बहुत शिवलिंग है। फिर इसमें नर्मदा नदी का महात्म्य और युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद के द्वारा नर्मदा पृथ्वी पर कैसे आई इसकी कथा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जब नर्मदा तो स्वर्ग में रहती थी, तो एक बार ऋषियों ने राजा पुरवा से नर्मदा को पृथ्वी पर लाने का आग्रह किया। राजा पुरवा ने ऋषियों के कहने पे भगवान शिव की आराधना की और जब भगवान शिव संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा भाई नर्मदा जी को आप पृथ्वी पर ले आए। तो नर्मदा जी से जब शिव ने कहा तो तैयार तो हो गई, लेकिन अब मुश्किल ये हुई कि पृथ्वी पे इनको होल्ड कौन, मतलब कौन संभालेगा। तो उसके लिए जो विंध्याचल के पुत्र थे प्रयांग, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। खैर नर्मदा जी उतरी, विंध्याचल में प्रयांग ने उनको संभाला,
लेकिन उस समय सारा कुछ जलमग्न हो गया था। फिर इनकी स्तुति की गई, इनकी पूजा की गई और इन्होंने अपने जल स्तर को घटाया और ये थोड़ी छोटी हुई। पूर्वा ने अपने जो पूर्वज थे, जो पुरखे थे, उनका नर्मदा में जाके तर्पण किया और एक तरह से उनको मुक्ति दी। एक कथा इसी में और है कि नर्मदा के पास पृथ्वी पर रहने वाले देवी देवता थे। इन लोग गए और इन्होंने कहा कि भाई आप हमारा भी उद्धार कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो कुमारी हूं और कुमारी कन्या इस तरह के काम में नहीं इन्वॉल्व होती है। तो फिर कथा के अनुसार फिर पुरुकुत्स जो थे, जो पूर्व जन्म में समुद्र थे और उनको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, तो इस जन्म में उनसे कहा गया कि भाई आप नर्मदा जी से विवाह कर लें। नर्मदा जी भी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई, उनका पुरुकुत्स से विवाह हुआ और उसके बाद उन्होंने जो पृथ्वी पर विराजमान जो लोग थे उनका भी उद्धार करने का काम किया। एक कथा और है स्कंद पुराण में, कथाएं तो अनेकों हैं लेकिन जिसको हम और आप जल्दी से उसको शेयर कर लें। काशी नरेश की कन्या का नाम कलावती था और ये वो सारी मैं कथाएं बोल रहा हूँ जिसमें स्त्रियों को बहुत महत्व दिया गया है स्कंद पुराण में। जो कलावती थी उनका विवाह मथुरा के राजा दारशाह के साथ हुआ था। जब विवाह हो गया कलावती जी दारशाह के घर पहुंची और उस रात में दारशाह ने उनको अपने पास अपने पलंग पे अपने जहाँ पे वो लेटे हुए थे वहाँ पास में बुलाया। तो कलावती ने कहा कि भाई आप मुझे पास मत बुलाइए और मैं दूरी से आपकी पूजा कर रही हूँ और आपकी आराधना कर रही हूँ, हम लोग को पास मिलना ठीक नहीं रहेगा। तो दारशाह को अजीब सा लगा, भाई हमारा आप पति पत्नी हैं और आप पास आने से क्यों मना कर रही हैं। तो वो फिर इनके पास आए और बलपूर्वक, तो इन्होंने फिर मना किया कि भाई आप मेरी बात समझिए, आप मेरे ऊपर बल का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन भाई दारशाह कहाँ मानने वाले थे, उनको लगा कि मैं तो इनका पति हूँ और ये मेरा अधिकार है। उन्होंने जैसे ही कलावती को छुआ उनको जैसे करंट लग गया और वो उनके रोए रोए जलने लगे। तो उनकी ये समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया है। तब कलावती ने उनसे कहा कि एक तो मैं आपकी पत्नी हूं तो मेरे ऊपर आपका बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप तो मुझे अगर कोई बात मैं नहीं भी मानूं तो स्नेह के प्रयोग से ही आप मुझे समझाएं और मुझे मनाने की चेष्टा करें। फिर उन्होंने बताया कि ये उनको दुर्वासा ऋषि ने ये उनको एक वरदान दिया था शिव मंत्र का और मैं इसका जाप करती हूं और कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी दुराचारी रहा हो, वेश्याओं के पास गया हो, शराब पिया हो, इस तरह का व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो मेरे पास नहीं आ सकता है। आप तो राजा थे, आपने ये सब किया था तो इसलिए अब आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो बड़ी मुश्किल हुई। जो राजा साहब थे उन्होंने कहा कि भाई इसका क्या उपाय है। तो फिर उन्होंने उपाय सुझाया कि हम और आप गर्गाचार्य के पास चलते हैं और वही हमको और आपको इसकी इसका उपाय भी बताएंगे और इसका कैसे इस समस्या से निकले वो उसका भी स्पष्ट वो करेंगे। तो फिर इन लोग गर्गाचार्य के पास पहुंचे, उनको समस्या बताई और उन्होंने यमुना के तट पे इनको फिर ये दीक्षा दी और उसके बाद दारशाह जो थे उनके रोए रोए से वो सब पाप निकला और फिर दारशाह और कलावती जी पति पत्नी के भांति सुखपूर्वक रहे। आज स्कंद पुराण में इतना ही। अगले हफ्ते नए पुराण के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।